में चैलेंजेस होते हैं. ये एक सच्ची कहानी है तो पहली बार मैं शायद एक रियल लाइफ कैरेक्टर बड़े स्क्रीन पर पोर्ट्रे कर रही हूँ तो उसके साथ एक जिम्मेदारी ज़रूर जुड़ी है. उसका एहसास हुआ मुझे. और ये एक दिन की कहानी है 31 अक्टूबर 1984 जो हमारे इतिहास में एक काला दुर्गा है तो उसकी भी एक फीलिंग थी. दैट वी आर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन अ फिल्म जिसके साथ बहुत सारे सेंसिटिविटीज और इमोशन जुड़े हैं. तो पर्हैप्स फॉर दोज रीजंस सर्टेनली मेरे लिए बहुत ही खास फिल्म. और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट को करना पड़ा एज एन एक्ट्रेस आपको इस रोल को प्ले करने में, क्योंकि पता है कि जो इशू है आफ्टर 1984 राइट्स के बारे में, तो एफर्ट्स तो ऑफकोर्स एक पूरी टीम थी जिन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया. जब रवीर और मेरे पास आए थे कास्टिंग के लिए तो एक मोटी फाइल के साथ आए थे जहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स थे और कोर्ट फाइलिंग्स थे, कोर्ट केसेस के डिटेल्स थे, फोटोग्राफ्स थे. मौका मिला काफ़ी लोगों जो विक्टिम्स थे वायलेंस का, उनसे मुलाकात हुई हमारी. मैं खुद कुछ जानती थी 1984 के वायलेंस के बारे में. बट सर्टनली there was a lot of research that went to it. Of course, पहली बार मैं एक सरदारनी का रोल निभा रही हूँ स्क्रीन पे, पहली बार मैं एक माँ का रोल निभा रही हूँ स्क्रीन पे. वो एक बहुत ही इमोशनल रोल था तो काफ़ी कुछ रिसर्च का भी काम नहीं था. यू हैव टू ऑल्सो बी इंस्टिंक्टिव एंड फील कि अगर आपके साथ ऐसे होता तो आप कैसे रिएक्ट करते. डिसाइड कर लिया था कि अपना पहला ड्रामा करूँगा. काफ़ी लोग ये जानते नहीं हैं लेकिन कमेडियन बनने से पहले 4 साल सीरियस एक्टिंग का कोर्स किया था मैंने. लेकिन एक परफेक्ट रेसिपी चाहिए था ड्रामा के लिए, तो इसमें एक रियल सिचुएशन है. सारे जो ऑडियंस है इस सिचुएशन के बारे में जानते हैं, सो यू डोंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर फिल्म. ये एक एक्चुअल कैरेक्टर है, एक एक्चुअल फैमिली है, उनके साथ मैं टाइम बिता सकता था, क्वेश्चंस पूछ सकता था, बहुत रिसर्च अवेलेबल था. मेरे कंप्लीट ऑपोजिट ये कैरेक्टर है. ना मैं पिता हूँ वो नहीं, तो मैं अभी मैं 3 बजे का बाप बना हूँ. ना मैं सरदार हूँ, तो आई टू लर्न पंजाबी डिक्शन, कुछ वेट बढ़ाना पड़ा, फुल लुक ट्रांसफॉर्म करना पड़ा. सो फॉर ऑल ऑफ दैट हमारे डायरेक्टर जो शिवाजी लोटू पाटिल ने नेशनल अवार्ड विनर है, मराठी फिल्म बनाई उन्होंने, हक सो ऑल ऑफ दैट कमिंग टुगेदर मेड इट अ वेरी वेरी गुड. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है और इस बार मुझे उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि ये फिल्म आने वाली है, क्योंकि प्रोमो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और उनके सर्कल के जो लोग हैं जो उनको रेकमेंड करते हैं कि ये अच्छी फिल्म आ रही है, उन्होंने खुद उनको बताया था. एंड शी सॉ द प्रोमो और उन्होंने मुझे शायद पहली बार लाइफ में मैसेज किया और कहा कि आपका लुक बहुत ही अच्छा है और प्रोमो इज़ लुकिंग वेरी गुड और मैं ये फिल्म देखना चाहती हूँ. जो आप लोग यकीन नहीं करेंगे लेकिन माय मदर इज़ लिटिल डिफरेंट, बहुत बड़ी बात है. अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे, काफ़ी हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है, तो जब पहली बार ऑफर किया गया तो क्या रिएक्शन था आप दोनों का? क्या ये स्टोरी के बारे में पता था कहीं ना कहीं? ऐसा कोई नहीं है इंडिया में जिसको इस स्टोरी के बारे में ना पता, स्पेशली अगर आप नॉर्थ के हैं. मेरी फैमिली दिल्ली और नोएडा से, सबको मालूम तो है. हम दोनों बहुत छोटे थे, 2-3 साल के होंगे जब 1984 के रायट्स हुए थे, समझ मैं 4 साल के. हाँ, हार्ड एंडिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जब भी हमने इस फिल्म को दिखाया है किसी को, चाहे लंदन फिल्म फेस्टिवल में हो, बैंकॉक फिल्म फेस्टिवल में हो, ऑडियंस रोती है लेकिन बहुत खुश होती है कि किसी ना किसी ने मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में इसके ऊपर एक फिल्म बनाई. दे वेरी हैप्पी कि ये जो चीज़ें बहुत सालों से कहने की कोशिश कर रहे हैं किसी ने कहा एक फिल्म. सो आप ये मानते हैं कि आज के दौर में भी ग्लैमराइज लोग को ज़्यादा मतलब लोग अपीटेशन देते हैं, अगर आप डी ग्लैमराइज लोग करते हैं तो उस तरह का असर नहीं होता लोगों को? नहीं, एक्चुअली आई थिंक इस साल में अगर आप देखें तो रियलिस्टिक सिनेमा इज मेकिंग इम्पैक्ट में बिग वे. रियल स्टोरीज, बायोपिक्स, आपको रियल लाइफ कैरेक्टर जब निभाना है स्क्रीन पे तो यू हैव टू बी ट्रू टू द कैरेक्टर. इस फिल्म में मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है, मस्कारा पहनने का टाइम नहीं मिलेगा मुझे, तो वे बींग ट्रू टू दैट. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मेकअप के पीछे आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है, आप छुप सकते हैं, इसमें सिर्फ आपकी एक्टिंग सामने आती है एंड देयर इज नथिंग रियली टू हाइड बिहाइंड. सोहा भी, मेरा सवाल आपसे ये रहा, ये है कि आपकी फिल्म जो है इतना डिले हुई लेने में, पहले ये 7th को रिलीज होने वाली थी, अभी 21st को, और ये जो सिलसिला है पिछले मैं जहाँ तक जाते 1 साल से चलता रहा डिले, तो ये चीज़ें आपको कैसे प्रभावित करती है एज एन एक्टर? आई थिंक आप दोनों, एक डाउन साइड होता है एक ब्राइट साइड होता है. डाउन साइड ये होता है कि एक फिल्म में 400 लोग काम करते हैं, नॉट एवरीबडी गेट्स पेड एट द एंड ऑफ द मूवी. हमारे जो लाइट मैन है, हमारे जो कैमरामैन है, हमारे जो स्पॉट बॉयज है, सबके कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि जब फिल्म रिलीज होगी तब उनको उनकी फाइनल पे चेक मिलेगी, तो उनको 1 साल इंतज़ार करना पड़ा है फॉर देयर फाइनल पे चेक. उस बात का बहुत दुख होता है.
एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हमेशा विल ऑलवेज बी ओके, हम दूसरी फिल्म पे चले जाते हैं, लेकिन अगर एक एडिटर है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो डेढ़ साल काम करते हैं एक फिल्म के ऊपर, तो जब आपका एक छोटा सा एक्शन एक साल का डिले कर देता है, यू फील बैड. दैट्स द डाउन साइड. ब्राइट साइड ये है कि इतना गुडविल और प्यार मिला है आपको लोगों से, पंजाबी कम्युनिटी से, पार्टीज से, कॉलेजेस से, गुरुद्वारों से, कि जब भी ये फिल्म निकलेगी आपके पास इतनी प्रॉब्लम्स आए हम देखने जाएंगे इस फिल्म, और अवेयरनेस बढ़ी है इस फिल्म की. सो आई थिंक देयर इज अ ब्राइट साइड डाउन साइड. डाउन साइड से मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आप ब्राइट साइड के बारे में ठीक है ब्राइट साइड भी पूछूंगी, पर डाउन साइड से क्योंकि आप एक्टर्स हैं, फिल्म रिलीज होने वाली होती है पर रिलीज नहीं हो पाती, लेट होता है, कुछ विवाद घिर जाते हैं. अभी ऐसा ही विवाद अभी जैसे आप करण जौहर पे देख रहे हैं, कल उनका एक्सप्लेनेशन आया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे एज अ एक्टर, एक प्रोड्यूसर को क्या ये सारी चीजें, जैसे कि वो डायरेक्टर है करण जौहर, प्रोड्यूसर, आपने इस मुद्दे के बारे में सुना होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? एमएनएस ने धमकी दी है कि स्क्रीन पर उनके तोड़फोड़ करेंगे, ये पूरी चीज के बारे में मैं पर्सनली एक चीज कहूंगा. आई स्टैंड बाय माय गवर्नमेंट, आई स्टैंड बाय माय ट्रूप्स, आई सपोर्ट द इंडियन आर्मी. मैं बहुत प्राउड इंडियन, पेट्रियोटिक इंडियन, तो मेरा फर्ज बनता है कि जिन चीजों के ऊपर मेरी आर्मी और मेरे गवर्नमेंट, और कोई नहीं, सिर्फ मेरी आर्मी और मेरे गवर्नमेंट फोकस्ड है, एज ए सिटीजन मेरा फर्ज बनता है उन चीजों पर फोकस करना. मेरे प्राइम मिनिस्टर और मेरी आर्मी सेफ्टी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्वच्छ भारत के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सैनिटेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री रिस्पॉन्सेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं. मुझको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, वो इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. वी शुड गिव देम द क्रेडिट फॉर दैट. हर न्यूज़ चैनल को अगर आपको किसी मुद्दे के बारे में बात करना है, प्लीज 72 आवर्स के लिए हर सोल्जर के बारे में, उनकी फैमिलीज के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनके बारे में चर्चा की. दैट्स व्हाट आई एम फोकस्ड ऑन. सो मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत हूँ, और हमारी अपील आप लोगों से भी है कि जितना आप इस मुद्दा को बढ़ाएंगे, अटेंशन देंगे, तो और ही बड़ा होता जाएगा. ऑफकोर्स एज अ मेंबर ऑफ द फिल्म फ्रेटर्निटी, हमने अभी भी कहा कि 400 लोग जुड़े हैं एक फिल्म के साथ, जब कोई प्रॉब्लम होती है, अभी हालात जब बदल गए तो प्रोड्यूसर के हाथ के बाहर है, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये सब जब होता है तो बहुत नुकसान होता है, सिर्फ प्रोड्यूसर को नहीं, बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं उसके साथ. तो आई डू थिंक इट्स अनफेयर, और वी हैव मोर कंस्ट्रक्टिव थिंग्स टू फोकस ऑन एंड टू वरी अबाउट एंड टू सप्रेस, एंड यू नो फिल्म एट द एंड ऑफ द डे आर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, दिस शुड बी अलाउड टू बी मेड. थैंक यू. पहली बार तो वेट बढ़ाना पड़ा, तो करीबन 12 किलो बढ़ाए मैंने. पंजाबी एक्सेंट सीखना पड़ा, और रियल पंजाबी एक्सेंट, सिर्फ वो कैरिकेचर फिल्मी वाला पंजाबी एक्सेंट नहीं. पिताजी नहीं हूँ, सो आपको हैंडल 3 kids. मैं बहुत अर्बन हूँ अपने बॉडी लैंग्वेज में. देवेंद्र सिंह एक देसू इंजीनियर है तिलक नगर से, तो उनका बॉडी लैंग्वेज अपनाना, और दोनों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है एक फिल्म इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट के ऊपर करने के लिए, तो और ना सिर्फ ऑडियंस के लिए, लेकिन वो एक रियल फैमिली है. देवेंद्र सिंह की फैमिली एग्जिस्ट, तेजिंदर सिंह की फैमिली एग्जिस्ट, तो उनकी तरफ से हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एज अ हस्बैंड आई एंजॉयड माय वाइफ्स जी. बिल्कुल एक पॉजिटिव साइड है, शायद हमारी ऑडियंस को नहीं पता है कि क्या हुआ 31st October 1984 में. जानने के लिए मैं तो कहूँगी आप प्लीज़ जाइए, फिल्म 21st October को रिलीज़ होने वाली है. वायलेंस तो बहुत हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी हम आपको इस फिल्म के ज़रिए दिखा रहे हैं. वो कहानी दिखा रहे हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन फैमिलीज़ की, जो दिल्ली में रहते थे, जो जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल के अपने सिख भाई बहनों की मदद की, अपने घर में रखा, प्रोटेक्ट किया, शेल्टर दिया. तो एक जो ताकत है हमारी हिंदुस्तान की और लोगों की, दे कम आउट टू हेल्प ईच अदर. आई सीन दैट, मैंने खुद देखा है जब फ्लड्स हुए थे मुंबई में, मैंने खुद वो एक्सपीरियंस किया है. हमारी ताकत वही है, तो टू रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑन दैट, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट. और फिल्म बहुत सिंपल फिल्म है, एक थ्रिलर है, 5 लोग हैं और 6 किलोमीटर की जर्नी. तिलक नगर की 6 किलोमीटर के रेडियस के बाहर वायलेंस नहीं हो, तो कैसे एक एक माँ और एक पिता अपने 3 बच्चों को लेकर 24 घंटे में 6 किलोमीटर की जर्नी पार करती है. सिंपल फॉर्म.
बैकड्रॉप डेफिनेटली राइट्स है लेकिन एक थ्रिलर एट इट्स हार्ट. सो अभी आप लोगों ने कोई रियल लाइफ ऐसी मतलब फैमिली से मिले जो सफर कर चुके थे और क्या एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने? आई थिंक जब हम लुधियाना में शूटिंग कर रहे थे तो हर रोज़ 2-3 हज़ार लोग आके हमारी शूटिंग देखते थे. उनके लिए बहुत ही टफ एक्सपीरियंस था क्योंकि उनके इतिहास में पर्सनली इतना बुरा दिन हम बार बार रिक्रिएट कर रहे हैं उसी गली में. लेकिन इतने रिस्पेक्ट और इतने प्यार के साथ उन्होंने हमको देखा. जब लंदन फिल्म फेस्टिवल गए तो बहुत सारी पंजाबी फैमिलीज थी जो 1984 के बाद उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया था, लंदन चले गए, वो आए फिल्म देखने के लिए. उन्होंने हमको प्यार दिखाया. एक विधवा कॉलोनी है दिल्ली में बिल्कुल, जहाँ पर 450 फैमिलीज़ हैं जो अफेक्टेड थे वायलेंस के बाद. अगर आप जाएंगे वहाँ पे जिस हालात में वो रहते हैं, इट्स नॉट गुड. तो ऑफ कोर्स हम बहुत सारे लोगों से पहले भी मैं जानती थी क्योंकि मैं दिल्ली में रही हूँ, और इस फिल्म के ज़रिए भी एक मौका मिला बहुत सारे लोगों के साथ मिलने का और बात करने का. और मेरे समझ के बाहर है कि हमने कैसे ये अलाउ किया, एज इंडियंस वी अलाउड दिस हैपन टू अदर पीपल, और हमने उनको एहसास दिलाया कि ये देश उनका नहीं है. और काफ़ी लोग इस देश को छोड़ के चले गए. इट्स समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ. कई बार ऐसा होता है कि मतलब किसी एक की गलती की वजह से सबको भुगतना पड़ता है, यहाँ पे ऐसी कुछ एक की गलती थी और पूरी कम्युनिटी पूरी कॉम को भुगतना पड़ा, तो इस पर इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, मतलब कैसे रिएक्ट करते हैं एक की गलती की वजह से सभी को उस पर उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है? आई थिंक वो सिर्फ एक इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, वो इतिहास में बहुत देशों के साथ हुआ है. किस नज़रिए से देखा जाए, शायद ये एक नज़रिया है कि एक की गलती से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब वो होता है तो और भी ज़्यादा लोग पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए. आई थिंक ये नज़रिया हमारी फिल्म का नज़रिया. तो आप दोनों से जानना चाहूँगा, बॉलीवुड जो है दो हिस्सों में बढ़ गया है, जैसे कि अनुराग कश्यप करण जौहर को सपोर्ट कर रहे हैं और अभिजीत जो है कह रहे हैं कि ऐ दिल है मुश्किल को बैन करना चाहिए, तो आप दोनों की क्या राय है? आप लोगों को ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए. हम दो हिस्से में नहीं बढ़े हैं, कुछ लोगों के ओपिनियंस हैं. आप लोगों को इस मुद्दा को ऐसे क्यों प्रेजेंट करते हैं? ऐसे नहीं करना चाहिए. जानना चाहेंगे इसी मुद्दे. मैंने तो अभी बोला, मतलब 5 मिनट पहले मैडम रिमाइंड. इट शुड बी बैन और इट शुड नॉट. हां, इट शुड बी बैन. इट शुड बी बैन. व्हाट शुड नॉट फिल्म बी डिलीटेड बिकॉज़ ऑफ पाकिस्तान एक्ट. शुड इट बी बैन और नॉट? या हुज डिसीजन इज टेल मी. वी नीड नो. आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. हुज डिसीजन इज इट? इज इट द गवर्नमेंट्स डिसीजन? यस और नो? यस. या यस. इज द गवर्नमेंट्स डिसीजन? Has the government said anything? No. The government is not banning this film. Then what are we talking about? The government is not banning this film. You stand by your government, you stand by your army, do what your government wants, do what your army wants. Has the government said anything? No. Has the army said anything? No. So let us focus. Let's on talk other about things. Other things. Thank you. Army people are not happy with this. On the recent show, the famous journalist. There was a panel and the army major, he was there, he said what ki yahan pe hum so I forgot the name right now. But silence. And then he said ki yahan pe hum desh ke naujawan dosti bhai unke sath lad rahe hain, apne jawanon ko mar rahe hain wahan pe, aur yahi pe Bollywood if the army releases an official statement, if the government releases an official statement, then as proud patriotic Indians, we have to stand by our government and our army. Chalo, thanks. Thank you. सभी दर्शकों को हमारी तरफ से मैं सोहा दास दिवाली के अवसर पे ढेर सारे शुभकामनाएं. हमारे घर पे एक क्यूट सा डॉगी है, आपके घर पे भी एक क्यूट सा डॉगी है, उनको पटाखे से बहुत डर लगता है, तो प्लीज डोंट बर्स्ट फायरक्रैकर्स. लेकिन प्लीज गिफ्ट्स लीजिए और एडवांस में गिफ्ट्स लीजिए. तो दिवाली के लिए बहुत ही अच्छा एडवांस गिफ्ट है हमारी फिल्म का एक टिकट जो आप 21 तारीख को ले सकते हैं, 21st अक्टूबर. प्लीज जाके हमारी फिल्म. थैंक यू सो मच. थैंक यू.